आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पियर्स चैनल, मैं हूं आपके साथ महक। आइए जानते हैं नीमच मंदसौर की बड़ी खबरें। सीपीएस में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के साथ ही मोदी सरकार ने दी टर्की और चीन से पोस्तदाना के आयात को हरी झंडी। बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, बोले भारतीय पोस्तदाना के गिरेंगे दाम। नीमच में रिश्ते हुए तार तार, पति ने पत्नी और ससुर पर किया चाकू से जानलेवा हमला, पत्नी गंभीर रूप से घायल। मामला नीमच सिटी थाना क्षेत्र के गाँव दुलाखेड़ा का, पुलिस जुटी जाँच में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से किया संवाद, नीमच के जाजो कन्या महाविद्यालय में दिखाया गया लाइव प्रसारण, संभाग के 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का भोपाल में हुआ सम्मान। नीमच में कांग्रेस उतरी सड़क पर, गैस टंकी और गाड़ी को पहनाई माला, चूल्हे पर बनाई रोटी, बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नीमच में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने किया यूथ गेम्स नेशनल चैंपियनशिप एथलेटिक में नीमच का नाम रोशन, खिलाड़ी परमवीर सिंह का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में समाजजन रहे मौजूद। नीमच जिले के मनासा में बड़ा हादसा, नियंत्रित होकर बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, हादसे में एक की मौत एक घायल, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। बीती रात ग्राम बाड़िया के समय मनासा मंदसौर मार्ग पर हुआ हादसा। नीमच में अग्रज्योति महिला संस्थान ने किया नवरात्रि के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन, निकाली जाएगी भादवा माता तक 21 मीटर की चुनर पैदल यात्रा। नीमच में शिव महापुराण कथा को ले करने के लिए कलश और शोभा यात्रा 12 अप्रैल को होगा, यज्ञ पूर्णाहुति और प्रसाद वितरण का आयोजन, स्थानीय रहवासियों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। नीमच जिले के सिंगोली में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान युवक ने खुद को किया आग के हवाले, प्राथमिक उपचार के बाद किया जिला अस्पताल रेफर, पुलिस छुट्टी जाँच में। मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में महिला मजदूरों को कृषि मंडी से बाहर निकलाने के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र ने एसडीएम से की चर्चा। अब जानते हैं खबरें विस्तार से।